all of you are well. Now give your concentration to the board. I will start a video for presentation about agriculture from lesson 8 of life science for class 8 standard student. Now agriculture, what do you mean by agriculture? Agriculture, the process of food production is discussed in a branch of science called agriculture. Science ka jo branch mein food production ke baare mein bola jata hai. Kaise food produce hota hai, uske liye kya instrument chahiye, ye sab hote agriculture. Next, crop. Plants of the same kind are cultivated in a large area. Bahut area, bada area, large area jiske same kind of plant jaise paddy or wheat or maize jo kya hota hai cultivated hota hai usse bolta hai crop. Kharif crop kya hai? Kharif crop matlab summer season mein jo crop hota hai and from the beginning of monsoon. Monsoon matlab बरसात सीजन से पहले द कल्टीवेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून. मॉनसून शुरू होने से पहले जो क्रॉप होता है. एग्जांपल क्या? पैडी, मेज, रोबी क्रॉप्स. रोबी क्रॉप्स क्या है? द कल्टीवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ विंटर. विंटर सीजन से पहले जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन शुरू हो जाता है. जैसे व्हीट एंड ग्राम. ये तो हो गया क्रॉप के बारे में. अब नाउ हाउ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे होता है कल्टीवेशन. At first, plowing is necessary. Plowing. Plowing means kya hai? Turning the soil. Turning the soil. Turning the soil is called plowing. और plowing मतलब soil को अच्छी तरह prepare करना पहले. और इसके लिए क्या instrument चाहिए? Plow. जैसे soil को अच्छी तरह खोदना, prepare करना, turning करना. Hoe. और एक instrument है hoe. Hoe का function क्या है? लैंड में, जमीन में जो कुछ वीड है, वीड मतलब अननेसेसरी प्लांट, जो प्लांट अपने आप हो जाता है जिसको नहीं चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए ये वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए. फॉर रिमूविंग वीड्स एंड उसके साथ और क्या काम करता है? Loosening the soil. Soil को loose करता है. Soil जितना loose होगा उतना अच्छा land होगा. Next उसके cultivator. ये भी एक instrument है. With a cultivator attached behind a tractor. Attached behind a tractor. और ये क्या होता है? ये ट्रैक्टर के पीछे अटैच होता है और ट्रैक्टर जब आगे जाता है तो कल्टीवेटर पूरा जमीन को खोदने में, टर्निंग करने में और लूजनिंग करने में हेल्प करता है.
Next, sidril. सिड्रिल का फंक्शन क्या है? सीड को जमीन में अच्छी तरह लगाने के लिए. सीड्स कैन बी सोड. बाय सिड्रिल. जमीन में डिस्टेंस मेंटेन करके सीट को सोर्ड करने के लिए लगाने के लिए सीट भी यूज होता है. अच्छा नेक्स्ट होते हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर कितना टाइप का होता है? जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन और डेड plants and animals. Plants and animals मरने के बाद जो soil के साथ mixed हो जाता है उसके द्वारा जो manure form होता है उसे कहता है organic manure. इसमें से plant बहुत अच्छा होता है, ये fertilizer है. और next होते inorganic fertilizer. इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते केमिकल सब्सटेंसेस. कुछ केमिकल सब्सटेंस जो फैक्ट्री में बनाया जाता है वो होते इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. जैसे इसमें से जो एलिमेंट्स होता है एन पी के. एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, के मतलब पोटासियम, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मेन सब्सटेंस है. तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने में प्रॉब्लम क्या होता है? सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है. और बैक्टीरिया क्या काम करता है? बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स्ड करता है और सॉइल लूजनिंग करता है, सॉइल में फूड सप्लाई करता है. तो बैक्टीरिया सॉइल को फर्टिलाइजर करता है. तो बैक्टीरिया मर जाता है तो क्या होगा? ये सब नहीं मिलेगा सॉइल को, प्लांट का ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगा. और ऑर्गेनिक मैन्योर बेटर क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. Why organic manure is better? Because increases the water retention capacity of the soil. Answer. सॉइल में वाटर को रिटेंशन करने का जो
होल्ड करके रखने का जो कैपेसिटी है वो इनऑर्गेनिक में है और it helps to pour us the soil. Pour us मतलब जो soil को loosening करने के लिए soil जितना भी loose होगा तो उसमें जो water retention capacity वो बढ़ जाएगा water hold करने का capacity बढ़ेगा और उसमें से प्लांट क्या होगा अच्छा होगा क्योंकि प्लांट को ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए तो सॉइल जितना लूज होगा उतना ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसमें बढ़ जाएगा इट हेल्प्स टू इंक्रीज the number of beneficial bacteria मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में कुछ बेनिफिशियल कुछ उपकार होता है यूजफुल होता है अर्थात जो बैक्टीरिया एटमोसफेयर का नाइट्रोजन फिक्स करता है जो बैक्टीरिया जो डेड प्लांट्स एनिमल्स है उसको सॉइल के साथ अच्छी तरह मिक्स करके सॉइल को ह्यूमस बढ़ा देता है फर्टिलाइज कर देता है वो बैक्टीरिया का परिमाण इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज करने में ज्यादा होने में हेल्प करता है और एक पॉइंट है improve soil's texture soil का जो texture है जो quality है उसको बढ़ा देता है जिसके वजह से soil में humus ज्यादा हो जाता है और उस soil में अच्छा प्लांट भी ग्रो होता है नेक्स्ट होते क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन क्या है जैसे कल्टीवेशन ऑफ अदर क्रॉप्स लाइक लेगुमिनस प्लांट माने जो प्लांट में प्रोटीन ज्यादा है जैसे पी सोयाबीन उसे कहते हैं लेगुमिनस प्लांट इन बिटवीन द कल्टीवेशन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप्स माने सेम टाइप पैडी बा व्हीट ऐसा टू सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप्स के अंदर जो लेगुमिनस प्लांट का कल्टीवेशन होता है उसे कहता है क्रॉप रोटेशन लेगुमिनस प्लांट्स Now,
leguminous plants in between the cultivation of two similar type of crops. अर्थात same type of crops, paddy, buckwheat, इसके दो similar type crops के अंदर एक leguminous crop का cultivation होना चाहिए. जैसे एक बार paddy हो गया, उसके बाद कोई leguminous plant, pea, बसवाबीन, फिर उसके बाद और एक बार पैडी का कल्टीवेशन होगा. ऐसे कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन. क्रॉप को जो रोटेशन करके कल्टीवेशन किया जाता है, एक के बाद एक पैडी, फिर लेगुमिनस प्लांट, फिर पैडी. ऐसे अंडरस्टैंड? नाउ एनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक्स. Thank you for watching.